अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। सब्सक्राइब कीजिए कुक विद नाज़नीन अकबर को और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी कोई भी लेटेस्ट वीडियो आपसे मिस ना हो। आज मैं आपके साथ क्रंची एग फिंगर्स बनाने की रेसिपी शेयर करूंगी, जो कि बहुत ही आसान और डिलीशियस रेसिपी है। तो आइए हम देख लेते हैं इसे बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। 5 अदद अंडे लेंगे, बारीक कटा हुआ कोरिएंडर लीव्स लेंगे, 1 टीस्पून ग्रीन चिली सॉस, 1 टीस्पून टोमेटो केचप, 1/2 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून सॉल्ट, 1/2 टीस्पून ब्लैक सॉल्ट एंड ब्लैक पेपर, 1/4 कप मैदा लेंगे, हसबे ज़रूरत ब्रेड क्रम्स लेंगे और एक अंडा लेंगे। एक बॉल लेंगे, इसमें सारे अंडे को तोड़ कर डालते जाएंगे। अब इसके अंदर ऐड करेंगे टोमेटो केचप एंड ग्रीन चिली सॉस, कोरिएंडर लीव्स, सॉल्ट एंड रेड चिली पाउडर, ब्लैक सॉल्ट, ब्लैक पेपर। अब हम इसे मिक्स कर लेंगे अच्छे से। जैसा कि आप देख सकते हैं ये मिक्स हो रहा है। सबसे पहले हम एक पैन लेंगे, उसके ऊपर ऐसा स्टैंड रख लेंगे और इसके अंदर हम पानी डाल लेंगे। इसके बाद हम एक ऐसा बर्तन लेंगे जिसमें हम ऑयल को ग्रीस कर लेंगे। ग्रीस करने के बाद हम इस स्टैंड के ऊपर इस बर्तन को रख लेंगे। मिक्स किया हुआ अंडा को हम इसके अंदर डाल देंगे, जैसे कि आप देख सकते हैं। अब हम इसे एक लीड के ज़रिए कवर कर देंगे। हमें इसे भाप की मदद से पकाना है तो हम इसके ऊपर एक और लीड रख लेंगे। 15 मिनट के लिए इसे लो टू मीडियम फ्लेम पर कुक कर लेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं 15 मिनट हो चुका है। अब हम इसके कवर को खोल देंगे और एक कांटा चम्मच की मदद से इसे चेक कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं ये बनकर रेडी हो चुका है। अब एक प्लेट में इसे निकाल लेंगे। तो अब हम इसे नाइफ की मदद से लंबाई में काट लेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं ये कट हो चुका है। एक अंडा लेंगे, इसके अंदर रेड चिली पाउडर डालकर इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सबसे पहले हम एक फिंगर्स लेंगे, इसे हम उठाएंगे और मैदे में कोट करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं हमें इसे अच्छे से मैदे में कोट करना है। उसके बाद हमें इसे अंडे में डिप करना है। अंडे में डिप करने के बाद हम इसे ब्रेड क्रम्स में कोट करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं इसी प्रोसेस के थ्रू हम अपने सारे एग फिंगर्स को रेडी कर लेंगे। ये सारे रेडी हैं तो अब हम इसे फ्राई कर लेंगे। तेल हमारा गर्म हो चुका है। अब हम एक 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 फिंगर्स को इसके अंदर डालकर फ्राई कर लेंगे अच्छे से। दो मिनट के बाद हम इसके साइड को चेंज करेंगे। इसी तरह से हम अपने सारे एक फिंगर्स को फ्राई करके रेडी कर लेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं ये फ्राई हो चुका है।
एक फिंगर्स फ्राई होकर रेडी हो चुका है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये अच्छे से फ्राई हो चुका है। अगर आपको क्रंची एग फिंगर रेसिपी पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।